वेलकम टू नेहा मैम ऑनलाइन क्लासेस। हमारा क्लास 9 का पोस्ट चैप्टर चल रहा था और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p / q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये जो पीछे टर्म लिखी है वो जस्ट क्या है, डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, कि आपको पूछा है कि जीरो जो है वो आपका रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है या नहीं आता वो हमें बताना। तो आपको पता ही है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी तो बताया था कि जीरो के नीचे अगर हम वन पुट अप कर दे डिनोमिनेटर में तो ये पी बाई क्यू फॉर्मेट में आ गया आपके पास। जीरो इज टेकन एज पी एंड वन इज टेकन एज क्यू, और क्यू हमको दिख रहा है यहाँ पे वन है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो कंडीशन भी इसमें फॉलो हो रही है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि इज जीरो ए रैशनल नंबर, दैट मींस यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। और उसे मैंने बताया था कि जीरो हमारा होल नंबर भी है और सारे होल नंबर आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, जीरो हमारा इंटीजर्स भी है और सारे इंटीजर्स भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं अगर हम उसके डिनोमिनेटर में वन पुट अप कर देते हैं ना। तो जीरो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है एंड वी कैन राइट जीरो एज जीरो अपॉन वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा था। Now moving to the question number 2nd and 3rd, both are of the same type, और ये इस type के questions आपने class 8 में भी करे थे, है ना? कि find 6 rational numbers between 3 and 4, और मैंने last video में आपको बताया भी था, एक statement भी दिया था कि between any two rational numbers there are infinite rational numbers between this, है ना? कोई भी दो rational number ले हम तो उनके बीच में infinite rational number होते हैं और हमें यहाँ पे only उन infinite में से सिक्स रैशनल नंबर्स बताने हैं, है ना? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हमें ऐसे ऑरली आंसर देना है या वन मार्क्स में कोई क्वेश्चन है तो हम ऐसे भी डेसिमल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसके बीच के आंसर। जैसे 3 है हमारे पास और 4 है नेक्स्ट रैशनल नंबर, तो हम इसके बीच में अगर किसी स्टूडेंट को पूछा जाए कि इसके बीच के कुछ रैशनल नंबर्स बताइए तो जरूरी नहीं कि हमें किसी मेथड को फॉलो करना है, लेकिन डायरेक्टली लाइक 3.1, 3.2, 3.3 है ना, ये सारे भी जो पॉइंट्स में नंबर्स आप लिख रहे हो 3.01, 3.012 है ना, ऑल दिस आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है? बट आपकी बुक में कुछ एक मेथड भी दे रखा है तो मैं उस मेथड के हिसाब से भी बता रही हूँ कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको कैसे करना है। Solution for this question number 2, we have to find 6 rational numbers between 3 and 4. Here it is 6, है ना? तो हमें क्या करना है, 6 plus 1 we have to take 7, जो भी जितना भी दिया आपको plus 1 करके ले लीजिए आप। Now we have to put 1 in this denominator, मतलब rational number की format में ले लीजिए, और 7 जो है आपका plus 1 करने पर आया उसके equal to आप इसका डिनोमिनेटर फ्रेम करेंगे, है ना? तो जैसे 3 अपॉन 1 है और ये 4 अपॉन 1 है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे डिनोमिनेटर में 7 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इनटू 7 करूंगी, और डिनोमिनेटर में अगर इनटू 7 कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी क्या होगा, इनटू 7 होना चाहिए। तो व्हाट यू गेट, 21/7, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और कुछ भी नहीं, है ना? हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी सीखे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी सीखे, तो सिंपली अगर हम इसको कट करते हैं तो क्या हो रहा है, ये 3 ही आ रहा है, तो 3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है ये 21/7। Similarly, you can do in this 4 also. कि नीचे अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूं, you will get 28/7. Simply, both these are the rational numbers, 21/7 and 28/7. अब इनके बीच के रैशनल नंबर्स मुझे लिखने हैं और बहुत सिंपल सा आपको पता चल रहा है कि 21 के बाद क्या है, 22/7 ना, नेक्स्ट क्या होगा 23/7, डिनोमिनेटर सेम रहेगा बस आपको न्यूमरेटर्स को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखते जाना, 24/7, 25/7, 26/7 एंड द लास्ट वन इज 27/7 एंड दिस लास्ट जो है 28/7 आपके पास क्या आता है, 4 होता है, और ये 21/7 जो था आपके पास 3 होता है। तो काउंट इज 1 2 3 4 5 6, आपके पास रैशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में आ गया और हमें चाहिए कितने, 6 रैशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है? तो वो प्लस 1 हम इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हम प्लस 1 नहीं करेंगे तो हमें 5 रैशनल नंबर्स उसके बीच में मिलेंगे। तो जब भी आपको जितना भी पूछा उसमें प्लस 1 कीजिए, देन फ्रेम द डिनोमिनेटर इक्वल टू दैट नंबर, है ना? तो जैसे हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया, 7 यहाँ पे क्रिएट किया, 7 को डिनोमिनेटर में भी इनटू किया और न्यूमरेटर में भी इनटू किया और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया, देन
आप डिनोमिनेटर सेम रखते जाइए और न्यूमरेटर को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखते जाइए, आपके पास सिंपल फॉर्मेट में ये छह रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। नाउ सिमिलरली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है, फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, 3/5 and 4/5। अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर सेकंड क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, तो हमें 1 बना के किया, यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या है 5 डिनोमिनेटर दे रखा है, तो फिर कैसे करना है देखिए। फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन इज सेम, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, दैट मींस वी हैव टू 8 + 1, 5 + 1 = 6। नाउ here it is given as 3/5 and 4/5 are the two numbers। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा change है कि हम यहाँ पे 6 denominator create नहीं कर सकते ना, यहाँ पे already आपके पास 5 लिखा हुआ है, तो 1 डालने की कोई problem है ही नहीं। तो 3/5 को हमें इस तरह से करना है कि क्या आ जाए, इसका कोई multiple आ जाए। तो देखो 3/5 में मैं (6) यहाँ पर भी करूँ और ऊपर भी (6) करें अगर हम, तो क्या आ गया आपके पास ये 18/30। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास यहाँ 6 ही बनना चाहिए, वहां 1 था इसलिए हमारे पास, अगर हमने 7 क्रिएट किया था सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 था, दोनों में डिनोमिनेटर सेम था, तो हमने क्या किया (6) डायरेक्टली इसमें कर दिया। अगर सपोज कि आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, देन फर्स्ट यू हैव टू डू 1 एक्स्ट्रा स्टेप कि पहले आप एलसीएम लेकर और उसका डिनोमिनेटर सेम करोगे जैसे कि आप लोअर क्लासेस में करते थे, और फिर आपको ये प्रोसीजर यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे मैं 4/5 में भी करूँ, तो 4/5 × 6 × 6 ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दो, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 24/30। नाउ 18 के बाद देखिए क्या हो जाएगा, दिस 18/30 एंड दिस 24/30, राइट द रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस, तो 19/30, नेक्स्ट इज 20/30, नेक्स्ट इज 21/30, अनदर नेक्स्ट इज 22/30 and then is 23/30, ठीक है। ये हमारा बेसिक गिवन वाला रैशनल नंबर था जो कि 3/5 के बराबर था और ये आपका 4/5 के बराबर था। देखो इसके बीच में हमारे पास एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था जिसमें हमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाकर और उसके बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको और दिया है, वो आप खुद कर सकते हो, जस्ट ट्रू फॉल्स की फॉर्मेट में है और जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको आगे प्रोसीड करना है। तो आई होप ये आप कर सकते हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।